हाय, मैं मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। हाँ तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है सभी लोगों के लिए, लेकिन प्लस मेंबर्स के लिए बिग बिलियन डे सेल फ्लिपकार्ट पर एक दिन पहले यानी कि 26 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो नो डाउट इसी बिग बिलियन डे सेल में हम सभी को ऑल प्रोडक्ट पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बिग बिलियन डे सेल में कुछ भी बाय नहीं करने वाले हैं। अब क्यों नहीं बाय करने वाले हैं, इसका रीज़न अलग अलग हो सकता है। वे लोग डेफिनेटली नेक्स्ट सेल का वेट करेंगे। तो फ्लिपकार्ट पर नेक्स्ट बड़ी सेल कौन सा आएगी? तो फ्लिपकार्ट पर नेक्स्ट बड़ी सेल दिवाली सेल आने वाली है। उसके पहले हम सभी को दशहरा सेल मिलेगी, लेकिन दिवाली सेल एक बड़ी सेल होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि 2024 में फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल कब से स्टार्ट होने वाली है, इस सेल में हम सभी को कौन से बैंक का कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में, इसलिए अगर आप सभी को दिवाली सेल का डेट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और आप सभी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से भी पहले इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 2024 में फ्लिपकार्ट पर दिवाली कब से स्टार्ट होने वाली है, मतलब कि फ्लिपकार्ट पर 2024 में दिवाली सेल किस डेट से स्टार्ट होगी। तो देखो, मैं पिछले 3-4 साल पहले के बारे में बात करूँ, मतलब कि 3-4 सालों से फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल लगभग 8 या फिर 10 दिन पहले से स्टार्ट होती है, मतलब कि पहले 7 या फिर 8 दिन पहले से स्टार्ट होती थी। लेकिन दोस्तों, पिछले बार दिवाली से लगभग 10 दिन पहले से स्टार्ट हुई थी। तो 2024 में दिवाली कब आएगी? 2024 में दिवाली 1 नवंबर को आने वाली है। तो आप लोग 10 दिन पीछे जा सकते हो, मतलब कि इस बार दिवाली से 20-21 अक्टूबर के आसपास से स्टार्ट होने वाली है। हाँ, ये डेट 1 या फिर 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, मतलब कि इस बार दिवाली से 19 अक्टूबर, 20, 21 या फिर 22 अक्टूबर को भी स्टार्ट हो सकती है। तो इस बार 2024 में दिवाली 20-21 अक्टूबर के आसपास से हम सभी को मिलने वाली है। आप लोग ये डेट कन्फर्म मान के चलो कि 20 अक्टूबर के पास ही हम सभी को इस बार दिवाली सेल मिलने वाली है। अब सवाल यह आता है कि इस बार दिवाली सेल में हम सभी को कौन से बैंक का कार्ड से डिस्काउंट मिल सकता है। तो देखो, इस बार तो हम सभी को दिवाली सेल में HDFC बैंक का कार्ड से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल में हम सभी को HDFC बैंक का कार्ड से डिस्काउंट मिलने वाला है। बचा मेन 3 कार्ड, ICICI बैंक का कार्ड, दूसरा SBI बैंक का कार्ड और तीसरा एक्सिस बैंक का कार्ड। तो जहां तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चांस है इस बार दिवाली सेल में हम सभी को SBI बैंक का कार्ड से डिस्काउंट मिलने का, मतलब कि SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और SBI बैंक का डेबिट कार्ड से कम डिस्काउंट मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि आप सभी को इसी बिग बिलियन डे सेल में शॉपिंग करना चाहिए या फिर दोस्तों आप सभी को दिवाली सेल का वेट करना चाहिए। तो देखो, आप सभी को अगर वेट करना है तो आप लोग दिवाली सेल का वेट कर सकते हो, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बिग बिलियन डे सेल सबसे बड़ी सेल है फ्लिपकार्ट की और दूसरी बड़ी सेल है दिवाली सेल। तो जिसको भी बाय करना है तो आप लोग बिग बिलियन डे सेल का वेट करो, बिग बिलियन डे सेल में ही शॉपिंग करो, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल में हम सभी को तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर फोन्स को बाय करना है, आईफोन्स को बाय करना है और लैपटॉप बाय करना है, मैक बाय करना है या फिर और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बाय करना है तो डेफिनेटली आप लोग इसी बिग बिलियन डे सेल में बाय करो, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल में हम सभी को जितना डिस्काउंट मिलेगा उतना डिस्काउंट हम सभी को दिवाली सेल में नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि बिग बिलियन डे सेल साल की सबसे बड़ी सेल है और दूसरी सबसे बड़ी सेल है दिवाली सेल। तो जिसको भी कुछ भी बाय करना है तो आप लोग बिग बिलियन डे सेल में ही शॉपिंग करो, दिवाली सेल का वेट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप लोग वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो, दिवाली सेल में भी हम सभी को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन बिग बिलियन डे सेल जैसा नहीं। हाँ, लेकिन दिवाली सेल में हम सभी को कुछ कुछ प्रोडक्ट पे बिग बिलियन डे सेल से भी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बता दिया कि इस बार दिवाली सेल किस डेट से स्टार्ट हो सकती है और इस दिवाली सेल में हम सभी को कौन सा बैंक का कार्ड से डिस्काउंट मिल सकता है और क्या आप सभी को दिवाली सेल का वेट करना चाहिए या फिर वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो जरा से भी पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में से था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।